हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते का सालन। इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन, ये रोस्टेड बेसन है, एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये थोड़े हम कोफ्ते में डालेंगे, थोड़े सालन में, ग्रेवी में, और दो मीडियम साइज़ टमाटर, थोड़े से काजू, कोकोनट पाउडर, ज़ीरा, होल ज़ीरा, और साथ में हमें सूखे मसाले में चाहिए ड्राई पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये कोफ्तों के साथ पीसने के लिए कोरिएंडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, हमने सिर्फ चार लिए हैं, और खसखस, पोस्ते का दाना। इससे कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये कीमा, कीमा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन, मटन, जो भी आपको जिससे भी बनाना हो, दोनों से ही बहुत अच्छे बनते हैं, दोनों के लिए सेम रेसिपी है। ये बेसन को आप तवे पे डालकर भी थोड़ी देर रोस्ट कर सकते हैं, हमने ओवन में माइक्रोवेव में 1 मिनट तक हीट किया है। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाते हैं, इसके लिए कीमे को हम पीसेंगे। सबसे पहले हरा मसाला पीसते हैं, अपने जार में हरा धनिया, हरी मिर्च और अपने खसखस, पोस्ते का दाना जिसे पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, ये 1 टीस्पून कितना लिया हमने। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट किया है, एक्चुअली ओवन में 30 सेकेंड के लिए इसे गर्म किया। हरी मिर्च को हम कट करके डालेंगे। मिर्च हमने कम रखी है क्योंकि मसालों में भी लाल मिर्च आएगी, अगर ज़्यादा ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। पहले यह हरा मसाला हम पीसते हैं बिना किसी पानी के, इसे सिर्फ मोटा दरदरा पीसना है क्योंकि इसमें हमें कीमा डालना है। ये देखिए मोटा दरदरा हो गया है। अब इसी में हम कीमे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा कीमा डाला हमने और इसे कुछ सेकेंड के लिए ग्राइंड किया, कुछ सेकेंड में ये अच्छा पिस आता है क्योंकि कीमा हमारा एकदम बारीक था, इसलिए हमें थोड़ी देर ही चलाना पड़ा। ये देखिए पूरा थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा पीस लिया, एक स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ चिकना हो जाता है। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। हमने कीमे को अच्छे से वॉश करके उसका पूरा पानी निकाल दिया था, पूरा अच्छे से ड्रेन कर दिया था, तो इसमें बहुत ही कम पानी है, ना के बराबर। तो हम इसमें 3 टीस्पून के कितना बेसन डालेंगे, ग्राम फ्लोर। अगर आपका कीमा आप चेक कर सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा पानी है तो आप उसमें थोड़ा और बेसन डाल दीजिए, ऐसा चेक करिए कि वो उसकी जब हम फ्राई करें गोलियां उसकी तो फटे नहीं। साथ में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। बेसन की जगह आप अंडा भी डाल सकते हैं, अगर कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप एक अंडा डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो उससे भी आपकी गोलियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। ये हमारे कीमे का एकदम स्मूथ टेक्सचर हो गया, हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है, सारे मसाले और कीमे सब एक जान हो जाएं। अब हम हाथ में ज़रा सा पानी लेकर और थोड़ा सा कीमा लेकर उसे दबा दबा के अच्छे से उसकी गोलियां बनाएंगे। दबा कर इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर हल्की ढीली रहेगी तो वो बीच से फटना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके फिर गोलियां बनाएंगे तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। ये देखिए हाथों से पहले उसे अच्छे से दबाया हमने, उसके बाद गोलियों का शेप दिया। अच्छे से उसको मुट्ठियों में दबाएं, उसके बाद फिर ये इजीली गोलियां बन जाएंगी। देखिए फिर से इसी तरह हमें सारी गोलियां बना लेनी है, इतनी हमारे जितना हमने कीमा लिया था उससे इतनी गोलियां बनी। आप छोटी बड़ी जैसी गोलियों को बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लीजिए।
और उसको हमने साइड में रख दिया। अब हम साथ में मसाले भी पीस लेंगे अपने ग्रेवी के लिए। ये ग्रेवी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत ही उसका अच्छा टेस्ट होता है और फट फट बनती है। इसमें कोई प्याज फ्राई नहीं करना पड़ता, बिरिस्ता नहीं बनाना पड़ता, जैसे नॉर्मल ग्रेवी सब पूरे मसाले एक साथ ग्राइंड करके। देखिए हमने जार में डाला प्याज, काजू और ये हमारे टमाटर, दो टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको छोटे छोटे पीसेस में करके हमने इसमें डाल दिया। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। आप टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेश टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है। साथ में ही हमने इसमें डाल दिया अपना कोकोनट पाउडर, आप उसके लिए अखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोकोनट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और सारे ड्राई मसाले जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी ग्रेवी बन जाएगी। ये इतना ही मसाला इसमें पड़ेगा और सारे ड्राई मसाले पड़ेंगे। अगर हम किसी को दावत दे रहे हैं, अगर हम चिकन का कुछ बनाए, मटन बनाए, हम साथ में ये ग्रेवी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। फौरन ही ये बनकर तैयार हो जाती है। साथ ही हमने तेल गर्म होने रखा और जब तेल अच्छे से गर्म हुआ तो हमने एक एक करके सारी गोलियां इसमें फ्राई कर ली। हमें एक्चुअली जल्दी थी इसलिए हमने एक साथ सारी गोलियां डाल दी। आप आराम आराम से डालिए। हमने सारी गोलियां एक उसको साइड में लगाकर देखिए फिर और सारी डाल दी, मतलब एक ही बैच में हमने सारी गोलियां फ्राई कर ली। लेकिन ये फूटती नहीं है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई। और अगर हमारी कढ़ाई थोड़ा डीप है, ब्रॉड है और तेल ज़्यादा है तो उसमें गोलियां आप ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस ऐसे ही शैलो फ्राई जैसा करना है। और ये एक भी गोलियां बिल्कुल भी नहीं फटी। नॉर्मली हम जब कबाब फ्राई करते हैं तो फटने लगते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ही अच्छी, ये ऐसे ही खाने में ऐसी ही मज़ेदार लगती हैं। आप अगर कबाब बना रहे हैं तो ये एक ऐसा ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। ये कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं। कुछ दिनों में हम आपसे नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी बहुत ही लजीज बनते हैं। और साथ में हमने कोफ्तों की बिरयानी की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर किया, प्लेलिस्ट पे जाकर बिरयानी एंड पुलाव में चेक कर सकते हैं, या फिर ये एंड स्क्रीन पर हम आपको लगा देंगे क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं आता, तो अगर हम लगा भी देंगे तो आपको वो क्लिक नहीं होगा, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए या तो हम एंड स्क्रीन पे इसको लगा देंगे। देखिए हमने तेल गरम किया, इसमें एक स्टार अनाइस और एक दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा से डालकर अच्छा खुशबू आने तक इसे फ्राई किया। और फिर साथ में हम इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे। जिंजर गार्लिक हमने 3 टेबलस्पून के इतना डाला। जब इसकी खुशबू भुनने की खुशबू आने लगे, कच्चापन निकल जाए, इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन पूरा निकल कर आए, क्योंकि हमारे मसाले भी कच्चे हैं। तो फिर हम साथ में मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छे से इसको भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने कच्ची प्याज डाली है तो इसे हमें अच्छे से भूनना पड़ेगा, नहीं तो प्याज की स्मेल आएगी, रॉनेस की। अगर हम इसे अच्छे से भून के रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी सालन बनता है इसका। तेल थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि मसाले भुनने हैं, मसाला अच्छा बनना है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर।
सब हमने वन टीस्पून लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा नमक खाता है, और हमें कलर थोड़ा कम लग रहा था इसलिए हम साथ में इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि कोफ्तों का कलर थोड़ा रेड हमें अच्छा लगता है। कोई भी ग्रेवी हम कश्मीरी लाल मिर्च बहुत यूज़ करते हैं, तो हमें इसमें कलर कम लग रहा था तो साथ में हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अच्छे से मिक्स किया और बिना किसी पानी के इसे ढक कर 10 से 15 मिनट तक हमने पकने दिया। ये स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के बाद हमारा तेल ऊपर आ गया था, मतलब पूरा हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, रोस्ट हो गया। ये देखिए तेल पूरा अलग हो गया। मसाला भुनने की यही निशानी है कि तेल छोड़ देता है और तेल सारे साइड में हो जाते हैं, मसालों से अलग हो जाते हैं। अगर मसाला कच्चा है तो तेल उसके अंदर ही अब्सॉर्ब रहेंगे। साथ में हमने सारी गोलियां डाल दी और 1 कप पानी डाला। वन कप अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए। ये बाहर से ड्रम की आवाज़ें आ रही है, हमारे तरफ गणेश फेस्टिवल चल रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक हमने इसमें पहले ही डाल दिया है, ये हमें कम लगा तो हमने 1/2 कप पानी और डाला, क्योंकि पानी बाद में सोख होता है। ये गोलियां हैं थोड़ा पानी सोख करती हैं तो फिर वो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो अगर थोड़ा आपको पतला दिख रहा हो तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ड्राई हो जाएगा जो गोलियां हैं कोफ्ते की, वो मसाला और पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगी। साथ में ही हमने एक टमाटर को स्लाइस करके डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये कोफ्तों के सालन में ऊपर से टमाटर डालेंगे जब पूरा पकने के टाइम, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने दें। ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट इट। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।